दोस्तों इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले हैं जो कि उगांडा वर्सेस केन्या के बीच जो कि अफ्रीका T20 मैच खेला जाएगा। अगर आप देखो तो इस सीरीज का आई थिंक 17th मैच है और अब ज़्यादा मैचेस बचे हुए नहीं, अब सिर्फ 5 मैचेस ही बचे हुए सीरीज के। वीडियो को ध्यान से देखने, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओ, इस सीरीज हमारे लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है। ध्यान से देखने, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस वीडियो से। देखो सबसे पहले तो 7 घंटे मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपको डेडलाइन से आपको 15-20 मिनट पहले फाइनल टीम मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल के काफ़ी के बेनिफिट्स है, आपको सबसे पहले फाइनल टीम मिल जाता है, वो भी किसी की कॉपी टीम नहीं, और साथ ही साथ कन्फर्म विनिंग टीम ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, और साथ ही साथ एकदम टेंशन फ्री रहते हो। और इस टेक किस प्लेयर पर रिस्क लेना है, कितना इन्वेस्ट करना है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर बता देता हूँ, और कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर वगैरह पिच रिपोर्ट टॉस अपडेट सब कुछ देता है, तो मैं भी दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन करा, 37,400 से ज़्यादा लोग हैं, जब तक आओगे मे भी ये नंबर आपको बढ़ता वही नजर आएगा। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन करिए, अगर आप सर्च करोगे तो मेरे नाम से हज़ारों फेक चांस है, उनसे दूर रहने के, बहुत फेक चैनल्स मेरे नाम से। इससे अच्छा है आप कमेंट बॉक्स से जाओ, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक उस पर टैप करके ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना, तो फाइन टीवी पे शेयर कर देता हूँ, बैटिंग ऑर्डर टॉस अपडेट सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट, फेक मत करना, ऑफिशियल ज्वाइन करना। 7 घंटे बचे हुए, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करना चाहूँगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं भाई, क्योंकि मुझे अभी ना कॉलेज के लिए भी नहीं करना है। तो देखो कि ये जो मैच है, और मैं लास्ट बचे स्कोर कार्ड पे फेक करूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं, लास्ट बचे स्कोर कार्ड इसलिए फिर फेक करूंगा ना, उससे आपको कंफर्म पावर प्ले पता चलेगा, बैटिंग ऑर्डर कौन कितना ऑर्डर मतलब बॉलिंग किया है, शायद कौन फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग किया है, कौन दशम बॉलिंग किया, कौन रिवर्स स्टार्ट किया है, तो ये सब कुछ चीज़ें क्लियर करना पड़ता है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कम टाइम में अच्छी टीम क्रिएट करने का। केन्या युगांडा का देखोगे, युगांडा जो कि नाइजीरिया के साथ खेल कर रहे, केन्या जो कि नामीबिया के साथ खेल कर रहे, तो 12th और 14th मैच चेक करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा युगांडा की टीम, उसके बाद केन्या देखेंगे। युगांडा थोड़ी अच्छी टीम है, ओपन किए थे सीमो सुजाई रौनक पटेल के साथ ओपन किए थे, उसके अलावा मुख्या जो कि टीम से थोड़ा स्लो स्टार्ट किए थे, लेकिन ये भी घूट उठ पारी खेले थे। तो बैटिंग और रिसीविंग देख क्लियर है, फोर्थ नंबर पर बैटिंग कौन करने आता, अल्पेश आता नहीं तो रिजात अली सर, जितना जहाँ अल्पेश के लिए नीचे मेरे हिसाब से, तो इनका बैटिंग ऑर्डर जो कि क्लियर, इससे कोई नहीं, इनका पावर पे अपने से मारोगे तो न्यू से बिलाल हासन में बॉल ट्रम्प कार्ड है, दैट में भी बॉलिंग किया टीम की तरफ से, 2 विकेट लेके गया, अल्पेश 4 ओवर बॉलिंग किया 2 विकेट लेके गया, दिनेश नकरानी फॉर्म में जबरदस्त चल, मैंने आपको बोल भी रखा हूँ, बहुत सीनियर प्लेयर दिनेश नकरानी, साल कैप्टनसी भी करा, बट लास्ट ईयर युगांडा की टीम का यही कैप्टन था लास्ट ईयर, उसका रिजात अली शाह अच्छा प्लेयर है, 3 ओवर बॉलिंग किया लेकिन विकेट ले गया, हेनरी सुसंडो 4 ओवर बॉलिंग किया 1 विकेट लेके गया, बिरान मसाफा अच्छा प्लेयर लेकिन आजकल पता नहीं इसका क्या हो गया है, हालांकि ठीक ठाक ही है। तो ये इनका पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप से, और ये बैटिंग ऑर्डर जो कि क्लियर, कोई डाउट्स नहीं। उसके अलावा देख लेते हैं अब केन्या का, जो कि नामीबिया के साथ खेल के आ रहे हैं, युगांडा थोड़ी फेवरेट है, केन्या भी अच्छी टीम है, केन्या कोई खराब टीम नहीं है। ओपन कहते हैं रुशवर्धन पटेल, ओपन कहते हैं कोलिन सवायू साहब, जो कि लास्ट ईयर जो T20 सी चला था उसमें जबरदस्त फॉर्म में थे भाई, इरफान करीम एक ये भी इनफॉर्म बल्लेबाज है, लेकिन 43 लास्ट 4 है हम मार के आ रहे हैं, पुष्कर शर्मा फोर ना बैटिंग करें, अगर मैं इसको कैप्टन कर दूंगा तो बैटिंग भी नीचे आ जाएगा और बॉलिंग भी नहीं करेगा। सचिन जो कि अवेलेबल है, सैम नवेचे वगैरह, तो या फिर इनका बैटिंग ऑर्डर भी क्लियर, इसके बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा कोई कंफ्यूजन मुझे है नहीं उसे। पुष्कर शर्मा देखते बॉलिंग कितना ओवर किया नहीं किया है, तो न्यू ओवर स्टार्ट किए थे फर्स्ट पावर पर लुकास आ गए थे 3 ओवर 1 विकेट लेके गए, उसके लिए देखोगे गैराज जो कि टीम से 3 ओवर बॉलिंग किया लेकिन विकेट ले गया, सैम नवेचे अच्छा बॉलिंग करता है बट 2 ही ओवर बॉलिंग किया, निलेश्वन जो कि टीम से 3 ओवर बॉलिंग किया लेकिन विकेट ले गया, विराज पटेल 3 ओवर बॉलिंग किया 2 विकेट लेके गया, पुष्कर शर्मा लेकिन बॉलिंग किया बंदे ने, मैच पूरा नहीं किया बट फिर भी ऑलमोस्ट 2 ओवर बॉलिंग किया इस बंदे ने। तो चलो ये सब चीज़ें क्लियर करना इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम कवर अप कर चुके, बाकी टीम पे जो से अपडेट कर दूंगा तो एक टेन कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर वगैरह। तो सिंपल सा बात बता रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि मैं चाहता हूँ ना आपको कोई भी वीडियो सर्च ना करना पड़े, कोई भी वीडियो नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना जिससे आपको हर एक मैचेस की वीडियो आपको मिल जाएगा। है ना, बात करते हैं सीधे से प्ले वाइज सर्विस से, टीम पे जो से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और लिंक 100% काम करता है। तो ये जो मैच है इसको ओपन करते हैं, बाकी नीचे देखो कोई खास मैचेस नहीं है, अबू धाबी है बट T20 की बात अलग है, T10 में तो फिक्सिंग होता है भाई, T10 से अच्छा T20 खेलो, ये प्रोफेशनल सीरीज है, कोई ख़राब नहीं, प्रोफेशनल टीम्स है, हालांकि वो भी उसमें भी प्रोफेशनल प्लेयर्स है मुझे पता है, कवर हम इस साल में नहीं कवर करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा, हालांकि इसके लिए मैं अलग से टाइम निकाला हूँ, ये अच्छे मैचेस इसलिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट लिमिट में करना। बात करें विकेट कीपर शेषनिक से, अपने दोस्तों वीडियो को जूस लाइक से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सबसे पहले कॉल पहले कर ऑन कर कॉल पर सेट करने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करें विकेट कीपर शेषनिक, देखो सिंपल सी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसी को कवर करेंगे। सिमोन सजाई अच्छा प्लेयर है, मैं इसे मना नहीं करूँ, सिमोन सजाई युगांडा का काफ़ी तगड़ी हिटिंग भी करते हैं, काफ़ी सही प्लेयर है, अगर आप चाहो तो अपनी टीम सिमोन सजाई को पिक कर सकते हो, बट इरफान करीम के बारे में फर्स्ट वीडियो में बोल चुका हूँ, फर्स्ट मैच जब इनका था इरफान करीम तगड़ी हिटिंग करता है, हालांकि सिमोन सजाई भी कम हिटर कोई नहीं है, ये भी बहुत तगड़ी हिटिंग करता है, तो सिमोन सजाई भी अच्छा ऑप्शन, बट इरफान करीम स्मॉल टीम ये बेस्ट ऑप्शन, कि युगांडा बैटिंग भी करेगा विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है, उसके अलावा
आठ कक्षा ठीक है, लेकिन सबसे पहले कोलिन सवायु बॉलिंग इस साल तो नहीं कर, लेकिन बैटिंग ओपनिंग कंफर्म करेगा, प्लस एक इन्फॉर्म बल्लेबाज है। रौनक पटेल लास्ट मैच काफ़ी अच्छी हिटिंग कर रहे थे, तो मैं कवर के चलता हूँ। नीचे पुष्कर शर्मा जो कि मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक हो सकते हैं, जो कि फोन है बैटिंग भी कर रहे हैं, तीन चार ओवर बॉलिंग भी कर लेंगे, तो कवर करने में कोई नुकसान वाला बात नहीं कि फोन है बैटिंग करेंगे, तो कवर के चलते अगर आप कॉलिंस को ड्रॉप कर रहे हो तो पुष्कर शर्मा और भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि मैं परफेक्ट करूंगा कि आप कवर करके चलो। हर्षवर्धन भी ठीक है, केन्या का काफ़ी इन्फॉर्म प्लेयर है हर्षवर्धन, लेकिन मैं अभी फिर नहीं कर रहा भाई। केन्या उससे थोड़ा सा वीक होगी क्योंकि इनका जो मेन प्लेयर है राकी पटेल होता है ही नहीं, इंजर्ड है बंदा, इंजरी के चलते नहीं खेल रहा है। तो फिलहाल के लिए तो मैं प्रिफेक्ट करूंगा आपको कि अपनी टीम में तीन बैटर इनफ है, आप चाहे तो रौनक पटेल की जगह पे आर पटेल ले सकते हो। दो में से कोई एक पिक कर ले, जिसमें आर पटेल के साथ गया हो, रौनक के साथ गया, आप हर्षवर्धन के साथ भी जा सकते थे। ठीक है भाई, अपना कुछ खास है, सैम ने कुछ अच्छा रहेगा टीम से क्योंकि बॉलिंग कर लेता है। हालांकि चलो लास्ट ईयर जैसा फॉर्म नहीं, ठीक है निजात अली अच्छा, अल्पेश तो मस्ट ऑफ होना चाहिए भाई, दिनेश नकरानी फॉर्म में चल रहे, बिरान वसंभा का फॉर्म बहुत बेकार चला है, हालांकि कैप्टनसी कर रहे बट फॉर्म बहुत बेकार है। उसके अलावा बॉलिंग से हैनी सुसोंडे एक मस्ट पिक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो युगांडा का काफ़ी जबरदस्त प्ले, राज पटेल अच्छा है कवर कर लो, इसका एल एंडरसन ये भी अच्छा है, बट बी हासन के बारे में बताई जरूरत ही नहीं क्योंकि फर्स्ट पावर पे बॉलिंग करेगा, न्यू बॉल से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग में सिमोन सजय वगैरह है विकेट गिरेंगे, तो इस स्टार्टिंग में कवर कर चलते हैं। एक गैरेथ अवेलेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से जो टीम बनी है परफेक्ट है भाई, मेरे हिसाब से स्मॉल के लिए परफेक्ट है। अगर आप चाहो तो एक और जैसे हर्षवर्धन पटेल जैसे ट्राई चाहो तो आप एक विकेट कीपर बढ़ा सकते थे सिमोन सजाई, या फिर हर्षवर्धन पटेल ट्राई कर सकते थे, या फिर अपनी टीम एक और जैसे कि ऑप्शन तौर पे थे ना, एक और हर्षवर्धन पटेल और एक और था ये आर मुखिया, इसको ट्राई कर सकते। तो आर मुखिया थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करता है लेकिन बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना। मैं आपको टिप्स बताता हूँ, सिंपल सा टिप्स है, अगर युगांडा का पहले बैटिंग करेगा तो आप किसको पिक करोगे मुझे बताओ। आप इसे बहुत बोलेंगे या आर पटेल के साथ जाएंगे, नहीं, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो आप पिक कर लेना आर पटेल जगह पे, सिंपल से काम करना आर मुखिया पिक कर लेना। इसके से पहले अगर बैटिंग करे तो आर मुखिया अच्छी हिटिंग करते हैं, अगर टीम चेस करेगा तो आप आर पटेल के साथ जाना, रौनक पटेल के साथ। ये चीज़ समझ गए ना, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपका, ये चीज़ क्लियर कर दिया हूँ, बस यार इतना ही इनफ है। स्मॉल टीम है जैसे आप हेड टू हेड से लेके 100 मेंबर्स तक की लीग में आप यूज़ कर सकते हो। कैप्टन कैप्टन लोग अल्पेश के साथ अब जा रहे हैं, लेकिन मैं तो कब से जा रहा हूँ भाई, एज ए कैप्टन है मेरे वाइस कैप्टन, ये दोनों दिनेश नकरानी को भी कर सकते थे, बट दिनेश नकरानी थोड़ा सा नीचे बैटिंग करे, हालांकि बहुत सीनियर प्लेयर है, पहले टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करते थे, टीम से जबरदस्त प्लेयर थे लास्ट ईयर, बट अभी अभी सिर्फ दो तीन मैचेस से फॉर्म में आए हैं, तो वाइस कैप्टन किया जा सकता था, लेकिन निजात अली शाह की बात ही अलग है क्योंकि वरना टीम से बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी इनसे पहले आएगा। अल्पेश वन रन बैटिंग भी नहीं, टू रन बैटिंग भी कर लेगा, प्लस चार ओवर बॉलिंग कर रहा है, तो अच्छा ऑप्शन है अल्पेश। अल्पेश से जो कैप्टन जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन जात अली साहब, अपना वाइस कैप्टन जाओ तो बिरान मसाबा को ग्रेली टीम में कर लेना, हरने से सुन लो को। विराज पटेल तैसे बॉलिंग करेगा, काफ़ी फॉर्म बॉलर, इसलिए मैं पिक करके चल रहा हूँ, विकेट टेकिंग बॉलर है। सेम नहीं कॉन्टेस्ट बुक को तो सेम टीम के साथ स्क्रीन शॉट लो जाएगा कॉन्टेस्ट बुक, अगर आपको टीम नहीं दिख रहा है विजिबिलिटी नहीं है तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाओ क्वालिटी बढ़ा लो, क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, कोई क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। सेम टे कॉन्टेस्ट बुक कर दो, ठीक ठाक मैच है, कोई खराब नहीं है। पुष्कर शर्मा का लोग क्यों नहीं ट्राई कर भाई, अच्छा फोन ना बैटिंग भी करेगा, आपको बैटिंग बैकअप भी दे रहा है, बॉलिंग बैकअप भी दे, तो कवर करके चलो ना, अच्छा रहेगा टीम तो से, टीम परफेक्ट है कुछ भी कहो। आर मुखिया अगर टीम पहले बैटिंग तो कवर करके चलेगा, बाकी कुछ ज़्यादा बोली जरूरत नहीं, मैं मिलता हूँ टेलीग्राम फाइव टीम के साथ, जो से ज्वाइन कर लीजिएगा और एक्टिव रहिएगा टेलीग्राम चैट पे। बाकी आप सबको दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, कोई डाउट वगैरह नीचे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट नीचे कमेंट कर, और एक वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ठीक है, शेयर कर देना भाई।